हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आरनगर विधानसभा से विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी, जो कि अभी तुरंत वोट डाल के अपने आवास पहुंचे हैं। धर्मपत्नी और पूरे परिवार के साथ आप वोट डालने गए थे। अमिताभ जी, कैसा लग रहा माहौल इस समय चुनाव? चुनाव का माहौल तो बिल्कुल अलग है। मतदाता पूरे चुनाव में मौन रहा, समझ में नहीं आ रहा था किधर जा रहा है, लेकिन जब आज खुला है तो बड़ा परिवर्तन की लहर है। लोग बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। इससे सीधा दिखाई पड़ रहा है कि इस बार का वोट लोग परिवर्तन को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि बात करें सुबह 9 बजे तक की, चूंकि 11 बजे दूसरी बार आएगा कितने प्रतिशत वोट पड़े, लगभग 7.5 से 8% वोटिंग हुई है अभी तक। ये वोटिंग कम है, लोगों में उत्साह तो है, लेकिन जो वोटर लिस्टों की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। मेरे ही परिवार के वोट एक वोटर लिस्ट में नहीं है, अलग अलग बूथ पे हैं, ऐसे कई जगहों पर है। तो जो लोगों को अपने नाम ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं तो बूथ पे भीड़ दिखाई पड़ रही, लेकिन वोट पोल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों में उत्साह अच्छा है वोट डालने के लिए। अमिताभ जी की धर्मपत्नी जी भी हैं, कैसा लग रहा आपको वोट करके और क्या लग रहा माहौल, चूँकि आप एक बार खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है और मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की हमसे चर्चा करी आपने। फिलहाल ये तो आने वाला भविष्य तय करना है, ये 4 जून को पता चलेगा किसकी जीत किसकी हार होगी, लेकिन चुनाव का जो आज का जो दिन है इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। जनमत न्यूज़ भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपना वोट का उपयोग करना जरूर जाएं और अपने मतदान केंद्र में वोट जरूर डालें। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, कानपुर।